भाई साहब आज के गेम में आया हुआ था व्हाइट मम्मी सूट और उसके साथ ही एक बगल में छोरा आया था टीडीएम वाला और जो मेरे सामने इमोट कर रहा था वो भी गंदे गंदे वाले, तो पीछे से विक्की और स्पाइडर भी उसके पीछे पीछे इमोट करने लगे। बाय द वे आज इस मम्मी सूट के साथ हमारी एक बार नहीं दो बार फाइट होने वाली है और एंड में चल के ये लोग मिल के स्पाइडर मॉन और विक्की मॉन की पेटी डाल देंगे और गेम प्ले जो हो जाएगा आगे का सोलो वर्सेस स्क्वाड का और मेरी फाइट होने वाली है इनसे आगे चल के और एंडिंग तो भाई इतनी ज्यादा खतरनाक क्या ही बताऊं आप लोगों को। सबसे पहले जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे सेट और किसी पर्टिकुलर गन का या फिर शॉर्ट गन का या फिर क्रॉसबो का आप लोग को गेम प्ले चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए वो स्पेशल गेम प्ले बनाने के लिए। अब ये भाई साहब कटाना लेके विक्की के पीछे पड़े हुए थे और मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था, इसने विक्की को मारने का ट्राई किया लेकिन पीछे से मैंने इसको भर दिया। उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग लूट वगैरह करते हैं और आज के गेम प्ले में आप लोगों ने देखा होगा कि M416 का जो अपग्रेड आया लेवल 8 का उसके साथ ग्रेनेड और मॉली भी आई है तो हम लोग आज मॉल्टो बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये देखो शॉर्ट गन वर्सेस कटाना। भाई चिड़िया देखी तुम लोगों ने कैसी उड़ा दी भाई चिड़िया हम लोगों ने। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन भाई साहब की पेटी बनाई, पीछे से एक और बंदा आया, मैंने स्पाइडर को बोला तू रिवाइव कर मैं देता हूँ इधर से कवर लेकिन ये अपने प्यारे दुलारे बॉट अंकल निकले तो यहाँ पे इनकी पेटी बनाई हम लोगों ने। अब भाई कटाना लेके जरूर हाथ में घूमना क्योंकि भाई जहां भी आप लोग रस करोगे एक ना एक बंदा DBS शॉर्ट गन S12 के कुछ ना कुछ लेके बैठा रहेगा और आपकी पेटी डाल देगा जैसे अभी यहाँ पे पीछे मेरी बनने वाली। फिलहाल ये हम यहाँ मेन बिल्डिंग पे रश करते हैं, एक बंदे को मैंने डैमेज किया और यहाँ पे जहाँ पे रश करने आ रहे थे वहीं पे मुझे वेब शूटर मिला और जैसे ही मैंने वेब शूटर लगाया राइट साइड से मेरे पे फायर आया, राइट वाले भैया को नॉक किया, मैंने यहाँ टॉप में एक मॉली करी और यहाँ पे छत में भाई जो ही मॉलियाँ पड़ी हुई थी मैंने सारी मॉलीज बटोर ली। एक बंदा यहाँ बैठा था यहाँ मॉली करी राइट से, एक बंदे ने विक्की को कर दिया नॉक, एक मॉली यहाँ पे करी। अब उसके बाद मैंने सोचा कि डायरेक्ट यहाँ पे वेब शूटर से अंदर चला जाऊंगा लेकिन तभी पीछे की साइड से एक बंदा आया जिसके फुट सुन के मैं डायरेक्ट अंदर घुसा, उसको नॉक किया वेब शूटर यूज करके, डायरेक्ट मैं मिडिल फ्लोर पे जाने का ट्राई कर रहा था लेकिन भाई मुझे पीछे ही ढकेल दिया प्रिजन की इस मजबूत दीवार ने। अब मैंने स्पाइडर को बोला जल्दी से भाई ऊपर आ जा और यहाँ पे विक्की को रिवाइव दे, तब तक मैं यहाँ पे कवर दे रहा हूँ। और तभी ऑल पे भाई कोई बोल रहा है यही यार तू बतवा नहीं मानता है ना, तो बेचारा भाई अपने टीममेट को कॉल दे रहा था और उसका टीममेट लग रहा है कॉल सुन ही नहीं रहा था बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। अब मैं पीछे साइड आया विक्की हो गया रिवाइव, मैंने मॉली खींची छत से एक बंदे की फुट से, एक बंदे की यहाँ से आया मैंने यहाँ पे मॉली करी और अब यहाँ पे का सीन देखो बस आप लोग, भाई मॉली से जला नहीं वो बंदा देखो कहाँ पे है, इसको नॉक किया सामने की साइड बंदा इसका आया मैंने सामने मॉली कर दी और यहाँ पे लकी भाई को भी जला दिया मॉली से। अब पता नहीं ये अंदर वाला बंदा भाई कैसे बचा मॉल्टो से मुझे मालूम नहीं लेकिन इस समय पता नहीं क्या ग्लिच चल रहा है मॉल्टो में, अगर आप किनारे पे बैठ जाते हो तो भाई वो मॉली आपको जला ही नहीं पाता है। फिलहाल ने यहाँ पे मम्मी सूट वाले की पेटी बना दी भाई, हम आए थे बनाने लेकिन यहाँ पे इन्होंने किसी और से ही बनवा ली। अब उसके बाद मिड में आके हम लोग यहाँ पे लूट रहे थे ये बड़ी वाली पेटी, बड़ी वाली जो दुकान है उसको, तभी विक्की को यहाँ पे सामने से टॉप में से किसी ने नॉक कर दिया तो मैंने यहाँ पे विक्की को रिवाइव दिया। उसके बाद हम गाड़ी लेके गए बग्गी वग्गी ढूंढे और वहां से गुजर के जा रहे थे और तभी यहाँ पे हमें दो बंदे स्पॉट हुए यहाँ पे जैसे आए भाई एक बंदा सामने, एक बंदा लेफ्ट में पेड़ के पास, तो यहाँ दो नहीं बल्कि तीन तीन बंदे थे यहाँ पे, दोनों को नॉक किया एक को नॉक फिनिश कर दिया।
अब ये देखना अंदर यहाँ पे बंदा है, मैंने एक मौली करी यहाँ पे पूरे फ्लोर पे, इधर फैल गई और एक लेफ्ट वाले फ्लोर पे यहाँ पे डाली एक। अब देखो बंदे को देखना तुम लोग कहाँ से कूद गए, पीछे पूरा कूद के वो आ गया और मौली का लिटरली उसको एक भी दाग नहीं लगा। मतलब पता नहीं क्या चल रहा था, मैं मौली यूज कर रहा हूँ और मौली बंदों को ठीक से लगी नहीं रही थी। फिलहाल यहाँ पे वो सारी सारी स्क्वाड हो गई खत्म। अब उसके बाद हम निकले गड्डी लेके, रास्ते पे एक अपार्टमेंट वाला मोड़ आया और यहाँ पे हमने सोचा कि चलो अपार्टमेंट की तरफ ही मुड़ जाते हैं। और अब यहाँ अपार्टमेंट में जो फाइट होने वो, पहले तो ये देखो भाई, पता नहीं कौन सलमान भाई डासिया चला रहे थे, गाड़ी खतरनाक तरीके से लगा के रखी थी। अब वो ऐसी लगी गाड़ी देख के मैंने भाई अपनी दिशा ही चेंज कर दी और ये बिल्कुल मेरा सही डिसीजन था। अब मैं पीछे की साइड से मेन बिल्डिंग में आया, यहाँ पे कोई भी नहीं था, किसी के फुट्स नहीं आ रहे थे, तो हम समझ गए कि यहाँ पे ही बंदे हैं। और ऊपर छत में ही किसी की पेटी बनी पड़ी है, नीचे से दो बंदों की फुट्स आया। मैंने यहाँ पे तुरंत ग्रेनेड खोला, डरा देते थोड़ा। एक बंदे को डैमेज किया, दूसरे को नॉक, अब इसने भाई क्या ही ग्रेनेड मारा, विक्की के मुंह पे जाके फटा, विक्की नॉक। उसके बाद ये बंदा भी S12 के चला रहा था और इसने विक्की को लिट किया। मैंने स्पाइडर को बोला जाके रिवाइव दे, मैं कवर देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा कुछ ज्यादा खतरनाक था, इसने ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया और विक्की झटके से ही मर गया। अब पीछे से उसी टाइम पे मेन बिल्डिंग में आ गई बग्घी एक, हमें लगा कि इन्हीं के टीममेट होंगे। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड फेंका लेकिन वो बंदों के फुट्स लेफ्ट से आए, मैं डायरेक्ट अंदर गया मेन वाले पे, मगर यहाँ पे कोई नहीं था। कॉल मत दे, कॉल लेके बैठा हुआ है बहन का। अब भाई साहब एक बंदे को मैंने नॉक किया, देन उसके बाद मैं लेफ्ट में जा रहा था लेकिन नॉक वाले बंदे ने मुझे वहाँ पे फंसा दिया और सामने से उस बंदे ने भाई मुझे नॉक करके फिनिश डाल दिया। और यहाँ पे मैं रिकॉल होके वापस आ रहा था और जो अपार्टमेंट में मेन बिल्डिंग में एक अलग स्क्वाड आई थी उसने भाई साहब DVS से विक्की का ही गेम बचा दिया। अब यहाँ पे सामने थी बंदों के पास DVS, मेरे पे लूट नहीं थी, मैं यहाँ पे DVS, ये बंदों का साउंड आया मुझे बग्गी लेके निकलने का, तो मैंने यहाँ पे साउंड उनको सुनाया गन का, भैया यहाँ पे बंदे मत जाओ छोड़ के फाइट लो। अब मैं मेन बिल्डिंग में आया तब मुझे पता चला वो बंदे वहां छत में जंप कर गए तुरंत, और स्पाइडरमैन नीचे वहीं पे फंस गया उन दोनों बंदों के बीच में। आपको क्या लगता है गाइस, क्या यहाँ पे स्पाइडरमैन बच पाएगा या फिर भाई साहब उसकी बनने वाली है पेटी? भाई यहाँ पे स्पाइडर मॉन की तो हो गई ठुकाई, सामने DVS वाले बंदे ने भर दिया, मुझे लगा खिड़की से मारा है, तो खिड़की पे मैंने एक फुल कुक्ड ग्रेनेड फेंका लेकिन वो बंदा तब तक पीछे जा चुका था। अब यहाँ पे 1v2 की सिचुएशन थी, इन्होंने मेरे पे कर दिया रस, और इनमें से एक बंदा था व्हाइट मम्मी सूट वाला। इसको नॉक फिनिश किया मैंने और तुरंत ही फॉल बैक कर गया क्योंकि उसके पास थी UMP और मेरे पास थी AKM, तो मेरे को रिस्क लेना नहीं था और मेरे पास था प्रॉक्सी डिवाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसको दिमाग लगा के मारा जाए सामने सामने घुस के नहीं। मैं पीछे साइड आया, यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट वगैरह करी, हील वगैरह किया, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया प्रॉक्सी डिवाइस। और अब देखो भाई इसको कैसे स्ट्रेटजी लगा के मारते हैं, अब यहाँ पे बंदा फुल पैनिक मोड में कि उस पे रस कर दिया भाई, उसको पता नहीं कि यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी यूज करी है, कैम कर रहा है ये देख दरवाजे के नीचे, मैं डायरेक्ट गया और भाई बंदे के मुंह पे जाके जल्दी फट गया। अब मुझे उस बंदे की पोजीशन पता थी तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे उसी पे रस कर देता हूँ।
एंड भाई इसका थोड़ा सा हाथ दिख रहा था और मैंने उसी पे स्प्रे दिया और यहाँ पे ये बंदा हो गया खत्म। अब आमने सामने की फाइट ले नहीं सकता था क्योंकि उसके पास एक तो यूएमपी थी और दूसरी बात ये कि अगर उसके हाथ में यूएमपी की जगह उसने डीबीएस उठा ली होती तो यहाँ एक बुलेट में ही मेरा काम तमाम हो जाता था। यहाँ पे दिमाग से मार दिया इस बंदे को। आप लोग भी भाई डीबीएस वाले बंदों के मुंह पे मत घुसा करो, बहुत खतरनाक डीबीएस गन है, सीधे भाई खड़े होके चिपका देते। तो या तो कटाना लेके रस करो या तो प्रॉक्सी डिवाइस से उनका पता लगा लो, देन उसके बाद उनको भर दो। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जोन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक मेरा ग्लीच हो जाता है वेबसूटर से। मैं टैप कर रहा था सिंगल लेकिन टैप हो रहा था डबल, और जैसे मैं ऊपर जा रहा था हिल के साइड फाइट कर चल रही थी उनको मारने के लिए, तभी पीछे से डासी आ गई। अब यहाँ पे दोनों बंदों ने मेरे पे रस किया तो सबसे पहले मैंने फॉल बैक किया। यहाँ पे ग्रेनेड खोला, मुझे लगा वो बंदे शायद इधर साइड आए हो, ग्रेनेड फेंका एंड बूम वो बंदे पीछे की साइड चले गए जैसा कि मैंने सोचा था। अब यहाँ पे मेरा जो प्लान था वो था कि मैं इस टावर के टॉप में बैठ के हिल वालों पे भी एम कर पाऊंगा और नीचे वाले बंदों पे भी, लेकिन यहाँ पे प्लान खराब हो गया मेरा क्योंकि मैं नीचे गिर गया और मैं टावर के मिड पे आ गया, लेकिन ये भी सही जगह थी। अब एक बंदा भाग के इस वाली बिल्डिंग में गया और भाई हिल पे चल रही घमासान फाइट। अब यहाँ पे ये था कि हिल वाले बंदे मुझे ना स्पॉट कर ले, पता चले एक झटके में मेरी पेटी बना दे। मैंने यहाँ पे ऊपर वाले बंदे पे एक मॉली फेंकी एंड उसके बाद यहाँ पे एक और मॉली फेंक दी कन्फर्म करने के लिए। दो मॉली फेंकी मैंने, फिर से देखो सिंगल टैप पे डबल क्लिक हो गया। अब यहाँ पे दो मॉली थी तो वहां लेफ्ट साइड पैनिक रूम में बिल्कुल मॉली नहीं गई थी। मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पैनिक रूम में मॉली करी तभी वो बंदे राइट साइड भाग के गए। भाई आज मॉली यूज कर रहा हूँ और आज मॉली से वो बंदे नॉक नहीं हो रहे। एक बंदा नीचे कूदा, मैं यहाँ पे तुरंत पीछे साइड आया। अब एक बंदा लेफ्ट वाले घर में था, एक बंदा राइट वाले घर में था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि राइट वाले पे रस करने जा रहा था और तभी एक बग्घी आ गई हिल पे बंदा। हिल वाले भैया को नॉक फिनिश किया और यहाँ पे एक बंदा था पैनिक में, मैं तुरंत पीछे साइड जंप करके यहाँ से जाने वाला था लेकिन मैं नीचे गिर गया। तो ये बंदा ऊपर रीलोड करता है, जैसे उसने रीलोड किया मैं घुस गया। इन भैया को किया मैंने नॉक फिनिश और पीछे वाला जो बंदा था उसने मॉली करी, मैं समझ गया ये ग्रेनेड भी फेंकने वाला है और जैसे मैं पीछे साइड आया इसने ग्रेनेड भी फेंका उसी टाइम पे। अब मैं यहाँ पे भाई सेफ नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, हिल वाले बंदों को मैं पीछे साइड से देख लूंगा, फिलहाल के लिए इसको भरना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे गन निकाल रहा था और गन ही नहीं निकली तो मुक्के बज रहे हैं भाई। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कुक किया तभी लेफ्ट साइड से भी एक बंदे के फुट्स आए एंड ये भाई साहब को नॉक किया, ये भी नॉक हुआ तो मैं समझ गया लेफ्ट वाले वेयर हाउस में पक्का इसी का टीममेट होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एंट्रेंस पे मैंने एक स्मोक डाल दिया और एक स्मोक इधर साइड डाल दिया तो इसका एंट्रेंस मैंने दोनों साइड का विजन ब्लॉक कर दिया और इस पे चला गया इसको भरने के लिए। अब इन भाई साहब की पेटी बनाई देन उसके बाद लूट वगैरह किया। अब सामने जो बंदा था भाई उससे मेरे को लग रही थी डर क्योंकि वो बंदा अपने टीममेट को बचाने भी नहीं आया, तो समझ सकते हो कितना खतरनाक वाला कैंपिंग करेगा वो। मैंने क्या किया, प्रॉक्सी डिवाइस लगाया मैंने और उसके बाद मैं यहां से निकला इस बंदे की तलाश में। लेकिन भाई बंदा देखो आप लोग कहां पे, नहीं यहां था ना वेयर हाउस के अंदर था, मैं पीछे की साइड से घूम के गया और देखो ना यहां था, आखिर था कहां, फुर्स आए तभी पीछे से फायर आया, मैं यहां पे आया और ये बंदा यहां पे बैठा था। अब मुझे इसकी पोजीशन पता चल गई थी और पीछे से फायर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ये बंदा शायद पीछे जो फायर कर रहे हैं उन बंदों को मारे और वो बंदे इसको मारे, तो मैंने सोचा ये टावर पे जाता हूँ यहाँ से सबका एंगल मिल जाएगा मुझे। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, हिल वालों ने मुझे स्पॉट कर लिया और डैमेज किया, मैं यहाँ पे हील करता हूँ। अब मैंने सोचा कि पीछे वाले बंदे से अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एकदम एंड में होगा, तो मैंने सोचा लेफ्ट में यहाँ छत में चढ़ के सामने हिल वाले बंदों से पंगा ले लेता हूँ, लेकिन यहीं पर मेरी सोच गलत हो गई। अब मैं यहां पे आया लेफ्ट साइड, मैंने सबसे पहले स्मोक किया, हिल पे बंदे स्पॉट हुए एक नॉक और ये था गलत डिसीजन। भाई यार इस पीछे वाले बंदे ने लिटरली उंगली कर दी, ये मतलब
फुल प्लानिंग करके बैठा था कि जैसे ही इस बंदे का सामने वाले का इधर उधर ध्यान गया मैं पीछे से इसकी पेटी बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग को आज का गेम प्ले कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं और नए कमाल की गेम प्ले में। टिल देन, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।